उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी, रामपुर, खतौली जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर के बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। हमारे साथ बात करने के लिए अनूप गुप्ता जी हैं। आज आप लोग शिकायत करने पहुंचे हैं, क्या मामला है, क्यों चुनाव आयोग के पास पहुंचना पड़ा? हम लोग को इसलिए चुनाव आयोग के पास आना पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन RLD जिस प्रकार से अपने शासन के दौरान उपचुनावों में लूट करने का काम करते थे लोकतंत्र की, वैसा लोकतंत्र की लूट करने का काम जब आज वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों पर अंकुश लग रहा है। जैसा खतौली में अभी देखने को कल मिला, आपने जानकारी ली हो, 6 लोग पकड़े गए जिसमें से 5 लोग गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के थे। शराब बांटने का, पैसे बांटने का पूरा हिसाब किताब रजिस्टर उनके पास प्रशासन को प्राप्त हुआ है। एक बड़ी मात्रा में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुंडों को खतौली में, ऐसे ही ब्रज क्षेत्र के अंदर, इटावा क्षेत्र के अंदर जितने भी आवारा तत्व हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, अराजक तत्व हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो शासन प्रशासन में सपा के बाहुबल और धनबल से आकूत संपदा इकट्ठा किए हैं, ऐसे सारे लोगों को उतारा गया है उनकी इज्जत बचाने के लिए। और वह आज पूरी तरह से नंगा नाच करने के लिए जब उतर रहे हैं, शासन के द्वारा रोका जाता है तो वो उसको लेकर के हल्ला मचाते हैं और विभिन्न प्रकार की भ्रामक खबरें ट्वीट के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से चलाने का वो प्रयास करते हैं। कल ट्वीट की बात की तो ट्वीट में कल डिंपल यादव ने ट्वीट किया कि मैनपुरी के पाम होटल में लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग, और शराब बंटवा रहे हैं, ये क्या तथ्य है, क्या मिला, ये तो वही बतावें। मीडिया भी तो वहाँ पहुंची, सारे लोग वहाँ पहुंचे, शासन प्रशासन गया। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति ही नहीं रही है, ना बीजेपी शासन की संस्कृति, ये संस्कृति इनके ही शासन की रही है। वो जो स्वयं करते रहे हैं उनको लगता है कि आज भी वही हो रहा होगा। हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हमने लोकतंत्र की रक्षा 77 के दौर में भी अपने को लगा करके, अपनी पार्टी का उसमें विलय करके जनता पार्टी में जनसंघ का हमने करके दिखाया था। तीनों जगहों पर गड़बड़ी फैलाई जा रही है सपा के द्वारा। देखिए, जब तीन तीन चुनाव में चारों तरफ उनको लग रहा है कि हताशा का वातावरण लग रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की खबरें फैलाने का काम, अराजक तत्वों को लगा करके और अराजकता फैलाने का काम, हर प्रकार का काम वो कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं बात नहीं। कल रामपुर में जो सपा के प्रत्याशी हैं वो धरने पर ही बैठ गए। रामपुर में तो जो हताशा है वो दिखावा मात्र है, वो केवल सेम्पथी गेन करने का, वो केवल सेम्पथी गेन करने का नाटक किया जा रहा था, उसके पीछे खेल कुछ और ही है। क्या वो उनको हार का डर सता रहा है? हार का डर तो सता ही रहा है, लेकिन वो अपने प्रति सेम्पथी गेन करने का भी ये नाटक कर रहे थे। ये सेम्पथी अब उनको नहीं मिलने वाली है, जनता उनके कृत्यों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है, इसलिए उनको अब कोई राहत जनता नहीं देने वाली है। धन्यवाद। ये चुनाव आयोग से मिलकर आए बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से अनूप गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ एक सिंपैथी गेन करने के लिए कल धरने पर बैठे थे और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनके पुराने शासन काल में जो उनके कृत्य किए थे, जो आदतें थी, उसी का नतीजा है और इसी शिकायतों को लेकर के अराजकता फैलाई जा रही है, प्रभावित किया जा रहा है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। संतोष कुमार, आप तक।